मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म कहते हैं नर्म रियासत कभी भी सरमायाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। दहशतगर्दी में मुबतला गैर मस्त हुक्म रियासत में अच्छी मईशत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में कहा कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ फौज पर नहीं डाली जा सकती। कौमी असम्बली में अपोजिशन रुकन सनाउल्लाह मस्तीखेल के ख्वाजा आसिफ के बारे में नाजेबा अल्फाज, ऐवान में हंगामा। खवातीन अरकान एहतजाजन स्पीकर ऑफिस पहुंच गईं। स्पीकर ने बजट सेशन के लिए रुकन असम्बली को मुअत्तल कर दिया। एहतजाजी रैलियां निकालने पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियां। तहरीक इंसाफ के चार रहनुमाओं के नज़रबंदी के अहकाम जारी। शहरियार रियाज, कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर, चौधरी अमीर अफजल, तैमूर मसूद अकबर के नज़रबंदी के अहकाम जारी किए गए। जंग में मेंबर कौमी असम्बली शेख वकास अक्रम के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास, ईद पर इंतजामिया की उम्दा कारकर्दगी की तारीफ। कहा कमिश्नर्स, डेप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स हफ्ते में एक दिन आवाम के लिए मुख्तस करें।